लोकेशंस पर होती है बागी फ्रेंचाइजी की फिल्मों की शूटिंग। कब से शुरू होगी बागी 4 पर काम? कैसा होगा टाइगर श्रॉफ और दिशा पटानी की जोड़ी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल वर्मा, स्वागत करती हूं आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं, हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ का ये फेमस डायलॉग तो आप सबको याद ही होगा। 2014 में फिल्म हीरोपंती से बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाले टाइगर श्रॉफ ने अपनी डेब्यू मूवी में फैंस को अपने स्टंट्स का दीवाना बना लिया। उनकी फैन फॉलोइंग तो उनकी फर्स्ट मूवी के साथ ही बढ़ गई थी। आपको बता दें कि हीरोपंती में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट कृति सैनन नजर आई थी। बागी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म बागी 2016 में रिलीज हुई थी और ऑडियंस ने इस मूवी को काफी पसंद किया। अब अगर बात करें बागी फ्रेंचाइजी के फिल्मों के शूटिंग लोकेशंस की, तो इस फ्रेंचाइजी की फर्स्ट मूवी बागी की शूटिंग इंडिया और थाईलैंड में पूरी की गई थी। इस एक्शन थ्रिलर मूवी के कुछ सीन्स केरला में शूट किए गए थे और इस मूवी के फाइट सीक्वेंसेस को थाईलैंड में क्रावी आइलैंड में शूट किया गया। बागी की शूटिंग पूरी होने में 10 महीने का टाइम लगा। वही बागी 2 का शूट मुंबई में एक सेट से शुरू किया गया। इस मूवी के कुछ सीन्स पुणे की एक यूनिवर्सिटी में भी शूट किए गए और आगे की शूटिंग को मनाली, थाईलैंड, चीन, गोवा और लद्दाख में पूरा किया गया। अब अगर बात करें बागी 3 की शूटिंग के बारे में, तो इस मूवी की शूटिंग को सर्बिया में पूरा किया गया। डायरेक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि हम सीरिया में शूट करना चाहते थे, मगर अब वो इस फिल्म की शूटिंग सर्बिया से पूरी करेंगे। खबरों के माने तो बागी 4 की शूटिंग इंडिया में भी होगी। बागी 4 की शूटिंग बाकी की शूटिंग डिटेल्स को लेकर कोई खास खबर नहीं मिल पाई है। बागी 4 के लिए दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत जैसे नाम भी लिए जा रहे हैं, मगर हम आपको बता दें कि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ के साथ दिशा पटानी या श्रद्धा कपूर नजर आ सकती है। अभी इसकी स्टार कास्ट को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई। आप बागी 4 में टाइगर श्रॉफ के साथ किसको देखना पसंद करेंगे, दिशा पटानी या श्रद्धा कपूर? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलें, जिससे हम आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होते रहे। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।